नमस्कार साथियों, आज आपके बीच में लाइव कार्यक्रम में मैं साहित्य प्रोग्राम को लेकर आया हूँ। साथियों, एक बार मेरे से जुड़ जाइए और मुझे बता दीजिए कि आपके बीच में आवाज आ रही है नहीं आ रही है। साथियों नमस्कार, साथियों आज जन सरोकार मंच के माध्यम से कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है। यदि मेरी आवाज आ रही है तो कमेंट करके मुझे बताएं। छोटे भाई को, आपके बच्चे को आशीर्वाद देने की कृपा करें। दिनेश जी वर्मा साहब को नमस्कार। भाई साहब आपको सादर प्रणाम। यदि मेरी आवाज आप लोगों के बीच में पहुंच रही है तो जरूर मुझे बताएं कमेंट करके, तो मेरा प्रोग्राम में स्टार्ट करूं। उससे पहले शर्मा साहब जी आपको भी नमस्कार। जन सरोकार मंच के माध्यम से लगभग 2-2.5 महीने से साहित्य कार्यक्रम रखा जा रहा है। उस कार्यक्रम के माध्यम से भारत की नहीं, पूरे राजस्थान, भारत और अन्य क्षेत्र की जितनी प्रतिभा है लोगों के सामने लाने का एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। अंकित जी सर आपको भी नमस्कार। जन सरोकार मंच के आयोजक देवेंद्र जी सर आपको भी मेरा आशीर्वाद। आपका आशीर्वाद हमेशा मेरे पे रहा है और उनके ही उस कार्यक्रम के आयोजक हैं जो हमेशा प्रयास करते रहते हैं साहित्य में अपने समाज, अपने लोगों की प्रतिभाओं को लोगों के सामने लाने का प्रयास करते हैं। आज जन सरोकार मंच के माध्यम से आपके छोटे भाई को आमंत्रित किया है। मैं कविता साथियों जुड़ते जाइए और प्रोग्राम शुरू करने वाला हूं मैं। यदि हम बात करें साहित्य की, मैं साहित्य की शुरुआत मैंने 2011 से की थी। 2011 में मैंने प्रथम कविता लिखी थी। बात करूं मैं राज की उच्च प्राथमिक, नमस्कार दोस्तों, मेरे सभी मित्रों को नमस्कार। ये प्रोग्राम जन सरोकार मंच के माध्यम से किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के आयोजक देवेंद्र जी सर को मैं सादर प्रणाम करता हूं। आपके आशीर्वाद और प्यार से मुझे हमेशा प्यार मिलता रहा है। मुझे वो दिन भी याद है कि आप, मैं बीए में पढ़ता था टॉप में, तो आपका हमेशा प्यार रहा है मेरे पर। कई बार आपने काव्य पाठ करवाया वहां पर। उसी प्रोग्राम को आज देवेंद्र सर जी ने मेरे को आमंत्रित किया है, उसी कार्यक्रम को लेके आया हूं। पहली कविता मेरी 2011 में भ्रष्टाचार पे लिखी गई थी। यदि मेरे को फर्स्ट बार मैंने कविता लिखी थी 2011 में, मैं हाई सेकेंडरी पिपलू में पढ़ता था, तो एक प्रतियोगिता थी उसमें मुझे बुलाया गया था। उस टाइम पे मैंने पहली कविता लिखी थी। सबसे पहले आपके बीच में कविता रखने का प्रयास करता हूं, मेरी बनास। बनास नदी पे लिखी हुई मेरी कविता है कि बरसों पहले तू खिली थी ना मेरे से ना उससे मिली थी। बरसों पहले तू खिली थी ना मेरे से ना उससे मिली थी। कहां और किसके घर में पैदा हुई पता नहीं, कहां और किसके घर में पैदा हुई पता नहीं, पर तू हमारे टोंक जिले से निकल चली थी, निकल पड़ी थी। ना तेरी जवानी घटी है ना तेरी सूरत बदली है, तू पहले की जैसी वैसी राजकुमारी है। ये कविता मैं बनास नदी पे लिखी हुई कविता है जो आपके बीच में प्रस्तुत कर रहा हूँ। ना तेरी जवानी घटी है ना तेरी सूरत बदली है, तू पहले की जैसी वैसी राजकुमारी है। तू बूढ़े और जवानों की दीवानी है, तू पहले की जैसी वैसी राजकुमारी है। ना तेरी सूरत बदली है ना तेरी उम्र घटी है, क्योंकि आज भी तू मेरे दीवानों की दीवानी है। ये कविता बनास नदी पे है। आज तेरा रहन सहन थोड़ा अलग नजर आता है।
आज तेरा रहन सहन थोड़ा अलग नजर आता है, तू पहली जैसी मिठास नहीं रही, पहला जैसा प्यार नहीं रहा। आज तेरा रहन सहन थोड़ा अलग नजर आता है, पहली जैसी मिठास नहीं रही, पहला जैसा प्यार नहीं रहा। क्योंकि जब बरसों पहले तू खिली थी, ना मेरे से ना मेरे दोस्तों से मिली थी, उससे पहले तेरे बारे में सुनाई देता था। मैं बनास नदी के बकान करना जा रहा हूँ कि बनास नदी यदि हम बात करें कुछ सालों पहले उसकी, कितना अच्छा वहां पे रहन सहन था, वहां की खलियान थे, वहां पे तरबूज की मिठास जो टोंक को जाना जाता है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। क्योंकि बरसों पहले तू खिली थी, ना मेरे से ना उससे मिली थी, तू तेरे बारे में सुनाई देता था। माली जब हमारे गांव में आया करता था, जब आपके दीवाने आपके खरबूजे की मिठास से चकाया करता था, जब माली हमारे गांव में आया करता था तो आपके दीवाने आपके खरबूजे की मिठास करता था। अब वो मिठास नहीं रही, क्या पता माली नहीं रहा या आपकी मिठास नहीं रही, पर मैं आज भी आपका दीवाना हूं, पर मैं आज भी आपका दीवाना हूं। आपकी शकल देखे ना सोया करता हूँ, हाँ जब भी मौसम आता है खरबूजों का, हाँ जब भी मौसम आता है खरबूजों का, मैं माली की आवाज सुनकर दौड़ा आया करता हूँ। जब भी खरबूजों का मौसम आया करता है तो माली की आवाज सुनकर दौड़ा आया करता हूँ, और मेरी बनास मेरे लिए जरूर खरबूजे भेजे होंगे, मेरी बनास मेरे लिए जरूर खरबूजे भेजे होंगे। इसी आस में माली से खरबूजे ले जाया जाता हूँ। जब मैं खरबूजे की पहली फाक को काटता हूँ तो आपकी मिठास आपका प्यार नजर नहीं आता है, जब मैं खरबूजे की पहली फाक को काटता हूँ तो आपका प्यार आपका मिठास नजर नहीं आता है। फिर भी आंसू भरी आंखों से आपकी ओर देखता रहता हूँ, फिर भी आंखों से आपकी ओर देखता रहता हूँ। खरबूजे की मिठास से लतपत होकर मैं जरूर मिलने आएगी, ये क्योंकि यही आस में दीवाना रहता हूँ। ये कविता बनास नदी पे लिखी गई है, मैं थोड़ा प्रस्तुत पहली बार लाइव आया हूँ, कोशिश कर रहा हूँ लाइव आने की, कविता रखने का प्रयास कर रहा हूँ। पहली कविता है जो बनास नदी पे मैं आपके बीच में रखा हूँ। एक आपके बीच में दूसरी कविता मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। यदि आपको लगे मेरी कविता में कुछ चमत्कार है, शब्दों में कुछ तरक है, तो जरूर मुझे आशीर्वाद दे। ये रात बड़ी सताती है, मतलब कविता ये है कि जब विद्यार्थी पढ़ता है तो रात आंखों को इस प्रकार कहती कि तू सो जा, तुझे इतना दिन रात पढ़कर तू कुछ बन जाएगी तो फिर भी तुम आंखों को परेशान करेगा। उसी कविता को लेकर मैं आपके बीच में आया हूँ। ये रात बड़ी शैतानी है, ये रात बड़ी शैतानी है, सुबह शाम मुझे रुलाती है, जब पढ़ने लिखने बैठता हूँ मेरी आंखों को इशारे करके समझाती है। ये रात बड़ी शैतानी है, सुबह शाम मुझे रुलाती है, जब पढ़ने लिखने बैठता हूँ मेरी आंखों को इशारे करके समझाती है। क्या समझाती है, क्या कहती है, तू बड़ी नाजुक है, तेरे सहने सोने और खेलने के बड़े दिन है। ये रात है, रात जो व्यंग्य कर रही है, रात आंखों को कह रही है कि उसको समझा रही है कि ये रात बड़ी शैतानी है, ये रात बड़ी शैतानी है, सुबह शाम मुझे रुलाती है, जब पढ़ने लिखने बैठता हूँ मेरी आंखों को इशारे करके समझाती है। क्या समझाती, क्या कहती है, तू बड़ी नाजुक है, रात कह रही आंखों को तू बड़ी नाजुक है, तेरे सोने और खेलने के बड़े दिन है, इस तन मन के लिए क्यों जागी जागी रहती है, ये तुम्हें रुलाने वाले हैं। ये आंखों को कह रही है कि तन मन के लिए क्यों जागी जागी रहती है, तुम्हें रुलाने वाले हैं, तू आज जगी तू कल जगी, तेरे साथ क्या होगा तू न समझ सकेगी, ये मन कुछ बन जाएगा तो नहीं तो तेरे साथ बुरे कर्म करेगा, यदि ये मन कुछ बन जाएगा तो नहीं तो तेरे साथ बुरे कर्म करेगा, यदि तू इसे परेशान करने लगी तो ये तुम दोनों को चश्मे में कैद कर देगा। ये रात आंखों को ये कह रही है, यदि तू परेशान करने लग गई या तू दर्द होने लग गई तो तुझे चश्मे में कैद कर देगा। यदि तू इसे परेशान करने लगी तो तुम दोनों को चश्मे में कैद कर देगा, फिर भी तू समझ न पाई तो तेरे ऊपर केमिकल डाल देगा, इसलिए तू समझ जा। इसलिए रात आंखों को समझा रही है, इसलिए तू समझ जा, मेरे साथ हो जा, मैं तुम दोनों को बड़ी सुलाऊंगी। रात कह रही है आंखों को, मैं तुम दोनों को बड़ी सुलाऊंगी, रातों दिनों में सपने दिखाऊंगी, इसलिए तू समझ जा, तेरे साथ हो जा, इसलिए तू समझ जा, मेरे साथ हो जा, तुम दोनों को बड़ी सुलाऊंगी। ये रात आंखों को कह रही है कि तुम दोनों को बड़ी सुलाऊंगी, रातों दिनों में बड़े सपने दिखाऊंगी, पर ये कविराज के
ये कभी राजकुमार के सपने पूरे नहीं होने दूंगी, ये रात आंखों को कह रही है। आंखें भी यानी मेरी आंखें, आंख दोनों आंखें ये रातों को क्या कहती है, क्या जवाब देती है। आंखें भी समझाने लगी रातों से कहने लगी, वो उल्टे जवाब में क्या कहती है। आंखें भी समझाने लगी रातों से कहने लगी, तू काली है तू कभी उजाला न देखी है, इसलिए तू क्या जाने तू क्या माने, दूसरों की सहायता करना क्या होता है। रात को ऐसा व्यंग्य किया मेरे दोनों आंखों ने, आंखें भी समझाने लगी रातों से कहने लगी, तू काली है कभी उजाला न देखी है, इसलिए तू क्या जाने तू क्या माने, दूसरों की सहायता करना क्या होता है। तू काली है तेरे सपने काले हैं, इसलिए दूसरे के दुख दर्द को तू क्या जाने। हम दोनों ने जो देखा है तूने कभी न देखा है, फुटपाथ पे सड़कों पे रोते सोते हम दोनों ने देखा है, कभी भीख मांगते कभी पैसे चुराते हम दोनों ने देखा है, तू काली इसलिए केवल रातों में सपने सपने देखा है। मतलब आंखें मेरी आंख दोनों आंखें हैं जो रातों को रात पर व्यंग्य कर रही है, ये रातें बड़ी शैतानी है पर अब समझ में आ गई इसलिए आंखों से कहती है। अब आंखों से रात क्या कहती है, मैं हार गई तुम जीत गई, यानी रात आंखों से कहती है कि मैं हार गई तुम जीत गई पर मेरे को बदल गई, इसलिए मैं तन मन की भगत बन गई, मैं तुम्हारे साथ हो गई, पर मैं हार गई मैं तुम्हारे साथ हो गई। ये मेरी कविता थी रात बड़ी सताती है। दोस्तों पहली बार लाइव आया हूं तो आपके बीच में रखने का प्रयास कर रहा हूं, यदि कुछ कमियां रहे तो मुझे जरूर बताएं आप लोग। बेटियों पे हम लोग काम भी करते हैं, बेटियों पे हम लोग आवाज उठाते हैं, चाहे आज राजस्थान की बलात्कार की जितनी भी घटना होती है उस पे हम आवाज उठाते हैं। राष्ट्रीय अम्बेडकर स्वयंसेवी शाखा हमारा मंच है, उस मंच के माध्यम से हम आवाज उठाते हैं। चाहे थाना गाजी वाला मामला है तो उसमें मैं जेल भी जाके गया था, उससे पहले कहीं भी घटना होती है तो हम उस मामले को उठाकर लड़कियों महिलाओं के लिए लड़ते हैं। और मैं सबसे आग्रह करता हूं कि जब महिला वर्ग को हम सम्मान नहीं दिला पाएंगे जब तक हम हमारा हक अधूरा है। समझो तेरी करुणा को जाना हूं तेरे आंखों के आंसू से, बेटी के लिए कह रहा हूं, महिला के लिए कह रहा हूं, मेरी बहन के लिए कह रहा हूं। तेरी करुणा को जाना हूं तेरे आंखों के आंसू से, तेरे हर पल को समझता हूं तेरे चेहरे के दर्पण से, तेरे दर्पण में नजर आता तेरे सपने तेरे अरमान, कोई नहीं समझ पाता तेरे सपने तेरे अरमान, मैं ही यही समझाता हूँ बेटियों को पढ़ाना है, मैं ही यही समझाता हूँ बेटियों को पढ़ाना है, मैं ही यही समझाता हूँ बेटियों को बढ़ाना है। इस कविता के माध्यम से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बेटियों को भी उतना अधिकार मिले जितने पुरुषों को अपने भाई लोगों को मिल रहा है। मैं चाहता हूं कि महिला वर्ग को उतना अधिकार मिले। आज महिला पे जितने भी अत्याचार होते हैं तो हम लोग अगुवाई करें, आज हम अगुवाई करते हैं। हमने थानागाजी वाले केस के लड़ा, हमने टोंक में कई महिला औरत के साथ जो घटना होती है उसके लिए हम आगे रहते हैं, तत्पर रहते हैं और हम काम कर रहे हैं उसके लिए। हमें इसके साथ ही मैं और आपके बीच में कुछ कविता हैं जो आपके बीच में प्रस्तुत कर रहा हूँ। पहली बार मैं कविता लाइव पे आया हूँ, थोड़ा कमी रह सकती है। देवेंद्र सर आपको सादर प्रणाम, आपके आशीर्वाद और प्यार से ही मैं बहुत कुछ करने की कोशिश करता हूँ। मुझे याद है वो दिन कि देवेंद्र जी सर, मैं सेकेंड ईयर में पढ़ता था तो आप अजीम प्रेम जी फाउंडेशन लाइब्रेरी में मुझे बुलाया करते थे और मुझे सिखाने का प्रयास करते थे। मुझे पता है आपने एक बच्चे के अपने आपने मेरे को शिष्य नहीं माना, आपने अपना बेटा माना है। और जब भी आपसे मिलने जाता हूं तो आप मुझे आशीर्वाद नहीं देते, आप दिल से चिपकाते हो। जैसे माँ और बाप अपने को चिपकाता है वैसे आप चिपकाते हो, वो मुझे अभी भी एहसास होता है। वो दिन हो गए आपसे मिले हुए और आपका प्यार और आशीर्वाद हमेशा रहा है मेरे पे, वो बना रहना चाहिए। मैं प्रयास करता हूं, मैं हमेशा प्रयास करता हूं हर क्षेत्र में करने की कोशिश करता हूं। और आपके बीच में एक कविता है, माँ तेरे दीवाने, माँ तेरे दीवाने। थोड़ा लिखने का प्रयास किया हूं, लगे आपको अच्छा तो जरूर मुझे बताएं। माँ तेरे, माँ धरती माँ, आप रंग बिरंगी नारंगी थी,
माँ धरती माँ आप रंग बिरंगी नारंगी थी, सूर्य चंद्रमा भी आपकी ओर देखा करते थे। माँ धरती माँ आप रंग बिरंगी नारंगी थी, सूर्य चंद्रमा भी आपकी ओर देखा करते थे। जब आप उनकी ओर मुस्कुराती थी, जब आप उनके ओर मुस्कुराती थी तो सूर्य चंद्रमा दोनों पागल हो जाया करते थे और एक दूसरे की ओर इशारा करते हुए कहा करते थे, ये मेरी दिलवाली है। इशारा करते ये कहा करते थे, ये तेरी मेरी दिलवाली है और आपकी भाभी लगती है। दोनों इसी बात पर झगड़ा करके आपकी याद में दोनों रोते हुए सो जाया करते थे। फिर सुबह उठकर आपकी बात क्या करते थे, सूर्य तो छुपकर आपको देखने के लिए आसमान में जाकर सुबह से शाम तक आपकी ओर देखा करता था। सूर्य तो छुपकर आपको देखने के लिए आसमान में जाकर सुबह से शाम तक आपकी ओर देखता रहता था, जब तक रात नहीं होती थी। जब तक रात नहीं होती थी, सूर्य के आने के बाद चंद्रमा भी आपको देखने के लिए जाया करता था, इसलिए सूर्य चंद्रमा दोनों की मुलाकात नहीं होती थी। सूर्य के आने के बाद भी चंद्रमा भी आपको देखने के लिए जाया करता था, इसलिए सूर्य चंद्रमा दोनों की मुलाकात नहीं होती थी। जब माँ आप अंधेरा होते ही सो जाया करती थी, जब माँ आप अंधेरा होते ही सो जाया करती थी, जब चंद्रमा लालटेन के उजाले से पहाड़ों पर जाकर आपको देखा करता था, जब उजाला नहीं होता था जब तक वो देखा करता था, फिर उजाला होते ही ऐसा सो जाया करता था जैसे 5 साल के बच्चे की तरह सो जाया करते थे। और जब भी माँ इन दीवानों को कैसे समझाऊं कि मेरी धरती माँ 7 अरब लोगों की माँ है, आज आपके बेटे आपकी मानवता को भूल रहे हैं, एक दूसरे की भाईचारा नहीं रहा है, एक दूसरे में भाईचारा नहीं रहा है, केवल जहर जहर दिखाई देता है, कोई देश देश में झगड़ता है, कोई देश देश में झगड़ता है, कोई देश विदेश में लड़ता है, कोई धर्म के लिए लड़ता है, कोई जाति के लिए लड़ता है, कोई किसके लिए भड़कता है, माँ आपके दीवाने। एक कविता है आपके बीच में, सच्चाई। लिखता नहीं लिखवाया जाता है, अरे लिखता नहीं लिखवाया जाता है जब मन में आता है तो, लिखता नहीं लिखवाया जाता है जब मन में आता है तो फिर आंखों से क्यों टपक जाता है। लिखता नहीं लिखवाया जाता है जब तू मन में आता है तो फिर आंखों से क्यों टपक जाता है। नहीं है मुझ पर विश्वास इसलिए आंखों से उतर जाता है, कुछ पल रुला के आंखों को सुखा जाता है। नहीं है मुझ पर विश्वास इसलिए आंखों से उतर जाता है, कुछ पल रुला के आंखों को सुखा जाता है। कर मेरी आंखों की लालिमा बदनाम की सोचा करता है, कर मेरी आंखों की लालिमा बदनाम की सोचा करता है, पर पता है सबको मैं क्या हूँ, पता है मैं क्या हूँ, फिर भी बदनाम की सोचा करता है। क्यों बनाया मुझे बोला मेरी माँ, क्यों बनाया मुझे बोला मेरी माँ, हर शख्स मुझे पागल बना जाता है, इस पागलपन से हंस कर मेरी आंखों से उतर कर मेरी गोद में टपक जाता है और उठकर मुझे ये कह जाता है, चला है उसी रास्ते पे, रुकना नहीं, बहुत समय लगेगा वहां आने पर जीत तुम्हारी होगी वहां आने पर। यह कविता थी सच्चाई पर। और भी कविता लिखने का प्रयास किया है अब मैंने, और देवेंद्र सर जी का बराबर आशीर्वाद मिल रहा है, धन्यवाद। कई कविता लिखने का प्रयास किया है और एक कविता है, थोड़ा हाथ से थोड़ी करुणा, थोड़ा हाथ से थोड़ी करुणा। ये कविता 2014 में मैं मेरे प्रेमिका और यह सबसे ज्यादा प्रिय मानता हूँ, मेरे डायरियों को मानता हूँ, मैंने 3-4 डायरियां लिखी है कविता में, चाहे प्रस्तुतिकरण करने का ढंग थोड़ा अलग हो सकता है, पर मैंने लगभग 120 कविता लिखी है। तो 2013-14 में मैं पढ़ता था, उस टाइम पे मैं जब समय मिलता था मेरे कविता लिखने का प्रयास करता था, उसी कविता को आपके बीच में लेके आ रहा हूँ। पुस्तकें बेचारी मेरे से कह रही थी कहाँ गई तेरी साली, पुस्तकें बेचारी मेरे से कह रही थी कहाँ गई तेरी साली, मैंने कहा तू है मेरी घरवाली, मैंने कहा तू है मेरी घरवाली, पता नहीं कहाँ गई तेरी साली। ये कविता थोड़ा अब अलग सोच पे न ले, मैंने पुस्तकें बेचारी, पुस्तक मेरी डायरी है,
पुस्तक मेरी डायरी है और मेरी सालियां मेरी बीए की किताबें हैं। जब बीए के एग्जाम आते हैं तो मैं डायरी को भूल जाता हूँ, इसलिए ये क्या डायरी क्या कहती है मेरे को, उसी का काव्यांश लिखने का प्रयास किया है। पुस्तकें बेचारी मेरे से कह रही थी कहाँ गई तेरी साली, मैंने कहा तू है मेरी घरवाली, पता नहीं तेरी बहन कहाँ गई बेचारी। पुस्तकें बेचारी मेरे से कह रही थी कहाँ गई तेरी साली, मैंने कहा तू है मेरी घरवाली, पता नहीं तेरी बहन कहाँ गई बेचारी। कहाँ से है बेचारी, दिन भर आपके सामने बैठी रहती है बेचारी, आप कुछ नहीं कहते तो मैं क्या करूंगी बेचारी, मैं तू क्या करेगी बेचारी, रात को तू खा जाती है बीमारी, सुबह पढ़ने चली जाती है तू बेचारी, और मेरे बस्ते में बैठकर कहती है चल रे नादानी चल रे नादानी। 12 बजते तू आ जाती है बेचारी, तू मेरे से कहती है बेचारी, नाए सब्जी नाए अचार, बेकारी में पड़ी रोटी चार, मैं तो खा लेती हूँ रोटी चार। नाए सब्जी नाए अचार, नाए सब्जी नाए अचार, बेकारी में पड़ी रोटी चार, मैं तो खा लेती हूँ रोटी चार, आप भूखे रहो जीजा साली। जीजा साली किसको कह रही है, एक मेरी बीए की किताबें और मेरे को भी जीजा साल कह रही है। 12 बजते तू आ जाती है बेचारी, तू मेरे से कहती है बेचारी, नाए सब्जी नाए अचार, बेकारी में पड़ी रोटी चार, मैं तो खा लेती हूँ रोटी चार, आप भूखे रहो जीजा साली, 4 घंटे सो लेती हूँ फिर आपके लिए बनाती हूँ 100 का अचार, व्यंजनों की सब्जी का क्या करोगे आप, बना लेती हूँ रोटी आज 8, 4 में खा लेती हूँ, 2 तुमको खा लो आज। ऐसी कविता है लिखने का प्रयास किया है। कल परसों आपके लिए भी बनाऊंगी रोटी चार चार, मेरे लिए बनाऊंगी रोटी 8, क्योंकि मेरा है वास, सुबह भूखे रह जाना आप, कल मेरा है वास, आप क्या करोगे रोटी खा के, शाम को मिलेगी रोटी चार चार। ये एक थोड़ा कविता लिखने का प्रयास किया है। साथियों आपका बराबर आशीर्वाद मिल रहा है मेरे को। कविता लिखने का प्रयास किया है, बहुत सारी कविता लिखी है मैंने। आपके बीच में मैं नाम की कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूं। मैं जिस पे विश्वास किया वो मुझ पर विष उगल रहा है, जिस पे विश्वास किया वो मुझ पर विष उगल रहा है, जो मेरी पगडंडियों पे चल रहा था वो मेरी पगडंडियों को साफ कर रहा है। जिस पे विश्वास किया वो मुझ पर विष उगल रहा है, जो मेरी पगडंडियों पे चल रहा था वो मेरी पगडंडियों को साफ कर रहा है। पर मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, पर मुझ पर कोई फर्क पड़ने वाला क्योंकि मेरा रास्ता पीछे नहीं आगे की ओर साफ दिख रहा। जिस पर विश्वास किया वो मुझ पर विष उगल रहा है, जो मेरी पगडंडियों पे चल रहा था वो मेरी पगडंडियों को साफ कर रहा है। पर मुझ पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं क्योंकि मेरा रास्ता पीछे नहीं आगे की ओर साफ दिख रहा। जिस रास्ते पे मैं चला उसी रास्ते पे तू चल रहा है, जिस रास्ते पे मैं चला उसी रास्ते पे तू चल रहा है, पर तू रास्ते को मिटा रहा है, मैं मंजिल की ओर चल रहा हूं। पर तू रास्ते को मिटा रहा है, पर मैं मंजिल की ओर चल रहा हूँ। इंतजार है उसी दिन का, इंतजार है उसी दिन का, जिस दिन सिर पे ताज सजेगा, इतिहास के जो पन्ने खाली है उस पे मेरा नाम लिखेगा, उस पे मेरा नाम लिखेगा। जिस पर विश्वास किया वो मुझ पर विष उगल रहा है, जो मेरी पगडंडियों पे चल रहा था वही मेरी पगडंडियों को साफ कर रहा है। पर मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं क्योंकि मेरा रास्ता पीछे नहीं आगे की ओर साफ दिख रहा। दीवारों पे लिखे अक्षरों को कौन पढ़ता है, दीवारों पे लिखे अक्षरों को कौन पढ़ता है, अखबारों के पन्नों पे गरीब की आवाज कौन रखता है। दीवारों पे लिखे अक्षरों को कौन पढ़ता है, अखबारों के पन्नों पर गरीब की आवाज कौन रखता है। अरे जिन्होंने सजा रखी है आईने में तस्वीर को, जिन्होंने सजा रखी है आईने में तस्वीर को, वह जरूर माँ बाप को याद रखता है, वह जरूर माँ बाप को याद रखता है, वह जरूर माँ बाप को याद रखता है। साथियों लगभग मेरा 24 मिनट का कार्यक्रम हो चुका है और जैसा भी प्रोग्राम मैंने देने की कोशिश की, पूरी कोशिश की, पहली बार लाइव आया हूँ कार्यक्रम में तो कुछ कमियां रह सकती है, सीखने का प्रयास कर रहा हूँ, सिखाने का नहीं। कहीं कविता लिखने का प्रयास किया इसी
एक आपके बीच में मेरे परिचय का अंदाज, मेरा परिचय देने का कोशिश करूंगा मैं आपको एक कविता के माध्यम से। साथियों, मैं कोई भी काम शुरुआत करता हूं तो पीछे नहीं देखता कि यार वो काम कैसा चल रहा है कैसा नहीं चल रहा है। मैंने हर क्षेत्र में थोड़ा सा भी प्रयास किया है, आज राइटर क्षेत्र में भी मैंने प्रयास किया है और हर क्षेत्र में प्रयास करने की कोशिश की है। मैं आज सोशल वर्कर भी हूँ, राष्ट्रीय अम्बेडकर स्वयंसेवी शाखा उनको भी संचालन कर रहे हैं और उससे पहले मेरा अम्बेडकर युवा छोटा बड़ा संस्थान भी था। कई कार्यक्रम और कई संस्था मैंने चलाई है, उसके साथ ही मैंने राजनीति में भी काम करने का प्रयास किया है, कई लोगों के लिए काम किया है। हर कार्य करने का मैं प्रयास करता हूँ। मैं कभी ये नहीं सोचता कि पीछे क्या हो रहा है या कौन सा कार्यक्रम कैसे रहेगा, वो मैं नहीं सोचता। मैं हमेशा पॉजिटिव सोचने की प्रयास करता हूँ। ये मेरी लास्ट कविता आपके बीच में रखने का प्रयास करूंगा। और मैं आज साहित्य की शुरुआत मेरी किस प्रकार हुई उसके भी मैं आप लोगों को बताना, थोड़ा शेयर करूंगा उस बात को कि 2011 में मैं हाई सेकेंडरी पिबलू में पढ़ता था। हाई सेकेंडरी 2011 में पिबलू में पढ़ता था, सरकारी स्कूल में। तो उस समय अन्नाजारी का आंदोलन चल रहा था, अन्नाजारी का भ्रष्टाचार को लेके। तो उसी की कुछ लाइनें मैंने तोड़ मोड़ के लिखी हुई थी, कुछ लाइनें हुई थी। उसी साल में हमारे स्कूल में साहित्य संकलन ऐसी कोई प्रतियोगिता थी, उस प्रतियोगिता में मैंने कटिंग रिएक्टिंग की थी अखबार की। उस कटिंगों के आगे मैंने उस तीन चार कविता दो तीन पंक्तियों को आगे लगाया हुआ था। उस प्रतियोगिता में जब मेरे स्कूल के मेरे आदर्श आज उस सर की वजह से मैं आज इस मंच पे हूँ, आशीष जी त्रिपाठी जी ने मेरी उस कविता को देखा कि बच्चा तू लिखता है क्या इसको, बच्चा तू लिखता है क्या इसको। मैं कि सर हाँ मैंने लिखा है। तो उसी प्रतियोगिता में मैं सेकंड नंबर पे आया था, पर मुझे पता नहीं था ये क्या कविता है क्या चीज है। मैं तो टूटी फूटी कैसे तोड़ मरोड़ के वह लाइनें लिखी हुई थी मेरे भ्रष्टाचार पे। पर स्कूल में जब प्रतियोगिता कार्यक्रम समाप्त होने जा रहा था तो स्कूल में आशीष जी त्रिपाठी ये कहते हैं कि अपने स्कूल में एक महान छात्र है, वह उनके सब थे, उनका प्यार प्रेम था, इतना महान नहीं हूँ। वो कहते थे कि अपने स्कूल में एक महान छात्र है जो स्वयं रचित कविता लिखता है, स्वयं रचित कविता लिखता है और आपके बीच में आने वाला है। मैं भी सोच रहा था कि कौन व्यक्ति है जिसकी कविता मैं सुनूं, आज सकी तो राधा कोई कौन व्यक्ति है जिसकी कविता मैं सुनूं। मैं भी सुन रहा था कि सर के मुंह से कोई आवाज़ निकले और मैं उसकी कविता सुनूं। तो सर के मुंह से निकला कि अपने स्कूल में एक राजकुमार नाम का लड़का है जो स्वयं रचित कविता लिखता है। जब मुझे भी एहसास हुआ कि मैं कविता लिखता हूं, तो मैं वो लड़कों ने कहा कि यार उस सर ने कहा कि तूने पंक्तियां लगाई थी ना वो लेके आ यहाँ बोल। फिर मैंने देखा कि मैंने कविता लिखी है। उसके बाद मैंने वहाँ मंच पे गया तो लगभग 1100-1500 लड़के थे, चारों ओर से तालियां मिल रही थी, आशीर्वाद मिल रहा था। उस दिन से मैंने शुरुआत की थी। उसके बाद मैं आशीष जी सर का ये बहुत बहुत धन्यवाद है कि आज मैं टूटी फूटी जैसी भी कविता लिखता हूँ, प्रस्तुतिकरण करता हूँ, वो उनका आशीर्वाद है। उसके बाद में मेरे को जो सबसे बड़ा सपोर्ट मिला, सबसे बड़ा प्यार मिला, सबसे ज़्यादा आशीर्वाद मिला और सबसे बड़ा प्यार मिला, वो दिनहितकारी पत्रिका जिनके पूर्व होनर थे दिनकर विजयवर्गीय साहब, जिनका उन्होंने वो प्रथम कविता को प्रकाशित किया अपने अखबार में। और मेरे कोई सा भी प्रोग्राम होता है, मैंने चाहे साहित्य प्रोग्राम किए, चाहे हर प्रकार की कविता या हर प्रकार का प्रोग्राम उन्होंने प्रकाशित किया। उन्होंने सिर्फ अपना दोस्त नहीं माना, अपना शिष्य नहीं माना, अपना एक परिवार का सदस्य मानकर मेरे को आगे बढ़ाने की बार बार कोशिश की है। आज भी उनका प्यार आशीर्वाद मेरे ऊपर रहता है, तो ऐसे लोगों का आशीर्वाद रहा था। इसके साथ ही प्रथम बार में जिला स्तरीय मंच APRI अरबी पारसी अनुसंधान केंद्र पर कविता पाठ करने का मौका मिला। तो मैं 2013-14 की बात थी कि मैंने कुछ प्रदीप जी पवार साहब हैं, उनका आशीर्वाद है मेरे पर, उनको मैंने दो तीन पंक्तियाँ लिखी थी और उनसे उनके प्रोग्राम को देखता रहता था। मैं जब भी उनका प्रोग्राम होता मैं सुनने जाता था। मुझे उनको कभी ये भी नहीं बताया मैं टूटी फूटी कविता लिखता हूँ, कुछ भी नहीं बताया। एक दिन मेरे घर पर लेटर आता है उनका कि आपका बच्चे को APRI प्रोग्राम में आमंत्रित किया गया है और उनको भेजो। तो मैंने प्रोग्राम करने का प्रयास किया। ऐसे ऐसे लोगों का मेरे ऊपर आशीर्वाद रहा है, चाहे देवेंद्र जी सर हो, प्रदीप पवार जी हो या दिनकर जी हो। और पत्रकार लेवल पे मैंने रवि जी सर है पिपलू के, जो दिनकर जी के छोटे भाई हैं, उन्होंने भी मेरे को आशीर्वाद प्यार दिया और पत्रकारिता क्षेत्र में मुझे अगुवाई करवाई और मुझे हर चीज़ में सिखवाया। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि कोई भी क्षेत्र होता है तो उसमें अपना गुरु होता है। किसी के बिना आशीर्वाद के, बिना सहयोग के हम आगे नहीं बढ़ सकते, ये होता है।
तो आपके बीच में एक परिचय का अंदाज कविता लेके आया हूँ, और मैं इसी कविता के नाम से, कविता नहीं एक शब्दों का जोड़ है, और इसी कविता के साथ में अपना कार्यक्रम का अंतिम स्वर लेके आऊंगा। नाम मारो राज दवनी बतावचे, ये मेरी कविता है। नाम मारो राज दवनी बतावचे, गाँव मारो पीपलों के पास में जराणो ही कलावचे। नाम मारो राज दवनी बतावचे, गाँव मारो पीपलों के पास में जराणो ही कलावचे। रमाई मारी सुरजा देवी बाप मारो सीताराम जी कलावचे, अरे पीपलों के पास मारो गाँव ही जराणो ही कलावचे। पीपलों के पास मारो गाँव ही जराणो ही कलावचे। पहली इस कुल मारा बाप की कलाई जी, पीपलों के पास में जराणा में बताई जी। पहली इस कुल मारा बाप की कलाई जी, पीपलों के पास में जराणा में बताई जी। पहलो मास्टर मारो बाप ही कलायो जो, पांची कक्षाए तक मारो ही पापो ही पढ़ायो जो। ये मेरी कुछ चंद कुछ कविता थी, पंक्तियां, उसके माध्यम से मैं, मेरा नाम राजकुमार धवन है और ग्राम जिराना से हूँ, और अभी मैंने बीएड कर रखी है और रीट की तैयारी करता हूँ टीचर लेवल में। इसके साथ ही यूट्यूब पे मेरा न्यूज राजस्थान तड़का के माध्यम से मैं लोगों की आवाज उठाने का प्रयास करता हूँ। इसके साथ ही मेरा अम्बेडकर या छोटा बड़ा संस्थान, उसका मैं डायरेक्टर था, और इसके साथ ही राष्ट्रीय अम्बेडकर स्वयंसेवी शाखा, उसका भी अभी डायरेक्टर हूँ, और चार पांच लोग हम डायरेक्टर हैं, उसको चलाने का प्रयास कर रहे हैं। लोगों की आवाज उठाते हैं, चाहे बलात्कार हो, चाहे किसी पे गलत जातिवाद का मामला हो, कोई भी मामला, तो उसको उठाने का प्रयास करते हैं। इसी के साथ ही मैं पुनः मेरे साथ जुड़े हुए मेरे मित्रों और मेरे अनुज, मेरे आदर्शों को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। आपका आशीर्वाद और प्रेम ऐसा ही बना रहा है, और आपके बच्चे ने, आपके छोटे भाई ने, आपके बड़े भाई ने कैसी भी कविता प्रस्तुतिकरण की है तो कमियां रह सकती है, मुझे आज प्रयास मिला है सीखने का, और देवेंद्र जी को मैं फिर से सादर प्रणाम करता हूँ। आपका आशीर्वाद और प्यार हमेशा बना रहे। थैंक यू, धन्यवाद।